हाँ देखो, लास्ट लेक्चर क्या देखा था हमने, वर्ड में, होम में फॉन्ट टैब, फॉन्ट के बारे में देखा था, बरोबर ना। अभी आज क्या देखने का, पैरेग्राफ और बाकी जो टैब है ना इधर, फाइंड रिप्लेस, उसके बारे में प्रैक्टिस करने का है। तो सबसे पहले एक पैरेग्राफ लेते, समझ रहे ना, सबसे पहले क्या लेते, एक पैरेग्राफ। सपोज इधर नाम लिखा मैंने कुछ, इधर नाम लिखा सपोज, लिखा इधर चार वर्ड। अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया सब चारों वर्ड को, मुझे इसको नंबर देने का है, 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर देने का है। तो नंबर देने के लिए क्या होगा, होम में जाने का है। ये पढ़ो इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है, बुलेट्स करके लिखा है। उसके बाजू में क्या लिखा है, इधर नंबरिंग। पहले बुलेट्स के ऊपर जाते हैं, दिख रहा है ना इधर अलग अलग बुलेट्स, आपको जो स्टाइल चाहिए देखो इधर, जब भी बुलेट चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो सिर्फ, देखो आ गई बुलेट्स, उसका स्टाइल। अभी ये बुलेट अगर आपको नहीं चाहिए तो कैसे करोगे, पहले उसको सिलेक्ट करो जिसका बुलेट स्टाइल हटाने का है, इसके ऊपर ही क्लिक करते, और क्या करोगे, नन करने का है। देखो चला गया बुलेट स्टाइल। अभी मुझे नंबर देने का 1 2 3, तो उसके लिए जाओगे, ये लिखा बाजू में नंबरिंग करके, नंबरिंग के ऊपर जाते थे, देखो दिख रहा नंबरिंग, समझ रहे कैसे नंबरिंग देने का। नहीं चाहे तो क्या करोगे, उधर ही जाने का, नंबरिंग के ऊपर जाके क्या करोगे, नन करोगे, समझ रहे बुलेट्स और नंबरिंग मतलब क्या होता है। ये पढ़ो इधर क्या लिखा है, अलाइनमेंट। अभी लेफ्ट साइड में है ना, बीच में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन लोगे आप, सेंटर। बीच में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन लोगे, सेंटर आ रहा है बीच में। अगर राइट में जाए तो क्या करोगे, राइट साइड में आने का, राइट में जाए तो क्या करोगे, राइट साइड, समझ रहे इतना आला में, लेफ्ट सेंटर राइट, वापस लेफ्ट के ऊपर ही आ जाते, समझेगा। ये वाला पढ़ो क्या लिखा है, जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई अलाइनमेंट समझने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक पैराग्राफ चाहिए। तो एक पैराग्राफ लेते इधर, देखो आ गया पैराग्राफ। अभी इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, सेंटर अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट, कौन सा लिया मैंने, जस्टिफाई, कौन सा अलाइनमेंट लेते हैं इधर, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब क्या, पैराग्राफ दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। लेफ्ट साइड में दिख रहा है जरा स्ट्रेट लाइन आपको, वैसे अगर स्ट्रेट लाइन राइट साइड से जाइए तो क्या करोगे आप, जस्टिफाई, क्या करोगे, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने का है। देखो आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, समझेगा। लेफ्ट साइड चाहिए तो क्या करोगे, लेफ्ट साइड, और जस्ट राइट साइड से जाए तो क्या, राइट साइड, मतलब दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन में आ गया पैराग्राफ। कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करने का उसके लिए, जस्टिफाई। ये पढ़ो क्या लिखा है इधर, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, क्या लिखा है इसका मतलब, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका मतलब क्या है कि हर एक लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। देखो इसके ऊपर क्लिक कर दिया, किधर आओगे, दिख रहा है 1.5, और बीच में गैप चाहिए, इसके ऊपर जाके क्या करोगे, 3 करके लिया आ रहा है। और नॉर्मल चाहे तो क्या करोगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर जाने का, और क्या करोगे, सिंगल आया, समझेगा इतना तक। अभी ये पढ़ो क्या लिखा है, इंक्रीज इंडेंट, क्या लिखा है, इंक्रीज इंडेंट, और उसके बाजू वाला पढ़ो क्या लिखा है, डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब क्या है, पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा। देखो अभी इधर है ना पैराग्राफ, मैं इंक्रीज के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, देखो पैराग्राफ इधर आ जाएगा, देखो आ रहा है। और अगर पैराग्राफ आगे चाहिए तो और क्लिक कर दो एक बार, हो रहा है। अभी पीछे लाने के लिए उसके अपोजिट वाला बटन, क्या लिखा है, डिक्रीज, समझ रहे इतना तक, इंक्रीज डिक्रीज आया समझ में। अभी मैंने इतना ही पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, पढ़ो उधर क्या लिखा है, शेडिंग ना, इधर से आप शेडिंग दे सकते हो जाए तो, देखो आ रहा है शेडिंग। और नहीं जाए तो क्या, कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, इसमें क्लिक करो, शेडिंग में जाके क्या करने का है, नो कलर, देखो चले गए शेडिंग, समझेगा। इसको बॉर्डर देने का है तो इस एरो के बजाते, और जैसे क्या लोगे,
दिख रहा है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लिया तो पहले आपको बॉर्डर आ गई ना, हटाने का तो क्या करोगे, इसमें ही जाते हैं क्या करोगे, नो बॉर्डर्स, चले गए बॉर्डर, समझ रहे, इतना तक पैरेगा ऑप्शन। अभी ये वाला पढ़ने का है, पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड बाद में रिप्लेस। फाइंड का मतलब क्या होता है, कुछ भी अगर वर्ड आपको ढूंढने का है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे आप। फाइंड मतलब क्या होता है, देखो अभी सपोज हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, बोलो ना 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम देखने का है कि दीपक करके नाम उसके अंदर है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख जाओगे फाइंड में आके ढूंढने का इधर, समझ रहे। अभी सपोज इसके अंदर कौन सा वर्ड ढूंढे, डॉक्यूमेंट नाम का, देखो लिखा है इधर डॉक्यूमेंट नाम का वर्ड, इधर भी वर्ड लिखा है ना, तो अभी हम पहला कौन सा ढूंढेंगे कि ऐसा वर्ड ढूंढेगा कि इसके अंदर होना चाहिए वर्ड लिखा हुआ, ये तो इसके अंदर अगर वर्ड नहीं है तो आपको शो नहीं करेगा वो, तो पहले किधर जाते, इधर फाइंड के ऊपर जाते। आ गए फाइंड का बॉक्स, इधर इस बॉक्स में लिखने का, क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट करके लिखा, देखो जरा इधर बता रहा डॉक्यूमेंट वर्ड किधर किधर है, समझे ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वर्ड हाईलाइट करके बताएगा तीसरे पैराग्राफ वाला, समझेगा, डॉक्यूमेंट वर्ड फाइंड करके बताया उन्होंने। अभी कितनी जगह डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, 6 जगह, बराबर ना, कितनी जगह डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है, 6 जगह लिखा हुआ है। अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया, अभी उसी वर्ड को क्या करते हैं, रिप्लेस करते। रिप्लेस का मतलब क्या है, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आ जाएगा, अभी डॉक्यूमेंट लिखा है ना तो डॉक्यूमेंट की जगह हम दूसरा वर्ड लाते, तो रिप्लेस के ऊपर जाने का है। आ गया, तो फाइंड वर्ड में क्या आएगा, डॉक्यूमेंट, समझे ना, डॉक्यूमेंट की जगह दूसरा वर्ड चाहिए ना, तो फाइंड वर्ड में क्या लिखोगे आप, डॉक्यूमेंट लिखा, बाद में क्या आ रहा है, रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ का मतलब क्या है कि जिधर डॉक्यूमेंट लिखा है वो डॉक्यूमेंट की जगह आपको कौन सा वर्ड चाहिए, सपोज क्या लिखा मैंने, पेपर करके वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड लिखा, पेपर, समझ रहे, जिधर जिधर डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की जगह कौन सा वर्ड लाया, पेपर। बाद में क्या करोगे, देखो इधर पढ़ो, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रिप्लेस लिखा है, रिप्लेस ऑल और फाइंड नेक्स्ट, समझेगा, पहले हम क्या करते हैं वर्ड को फाइंड करते हैं किसी वर्ड को एक, तो मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको पहला वर्ड दिखाएगा, देखो बता रहे डॉक्यूमेंट वर्ड किधर है, समझेगा। अभी ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है उस डॉक्यूमेंट की जगह मुझे पेपर वर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस, समझे ना, क्या करेंगे हम, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते एक बार, अगर ये डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह चेंज नहीं करने का है तो सीधा आप क्या करोगे, फाइंड नेक्स्ट, मतलब ये वाला वर्ड चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, वैसे ही रहेगा। अभी किधर जाते, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जाते, देखो नेक्स्ट वाला फाइंड बराबर डॉक्यूमेंट वर्ड बताया, लेकिन पहले वाला वर्ड चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हो गया। अभी ये वर्ड हमें चेंज करने का है, बोला ना इधर डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो ये डॉक्यूमेंट की जगह क्या देने का, हमें पेपर देने का, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ रिप्लेस करने का एक बार, देखो आ गए इधर पेपर, समझ रहे। अभी ये वर्ड अगर हमें नहीं रिप्लेस करने का है, बोलो ना डॉक्यूमेंट ही रखने का है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे या फाइंड नेक्स्ट करोगे, तो फाइंड नेक्स्ट करने का है, देखो आ गया। अभी अगर मुझे इस वर्ड को चेंज करने का, तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, रिप्लेस, लेकिन अगर रिप्लेस ऑल किया तो क्या होगा, सभी वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे, जितने जितने डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो सभी वर्ड सभी जगह क्या आएंगे, रिप्लेस ऑल, समझे ना, सभी जगह क्या आएगा, रिप्लेस ऑल आ जाएगा, समझे ना, जिधर डॉक्यूमेंट लिखा है उसके ऊपर क्या आएगा, रिप्लेस ऑल। देखो मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो कितना रिप्लेसमेंट हो गया, 5, क्योंकि पहले एक किया था ना हमने, इसको ही ओके कर दिया, और बाद में क्या करोगे, क्लोज, समझेगा। अभी डॉक्यूमेंट करके वर्ड मिलने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जगह कौन सा वर्ड आ गया, पेपर वर्ड आ गया। अभी आगे वाला पढ़ो क्या लिखा है, इधर सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑल, क्या शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल ए, वही बता रहा है इधर से हमने, मालूम है ना हमें सिलेक्ट ऑल कैसे करते। अभी ये ऑप्शन देखने का है, पढ़ो जरा क्या लिखा है, कट, कॉपी और पेस्ट,
सपोज मैंने इंसर्ट वर्ड सिलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा साइज बढ़ा दे, बोलो ना इसको कुछ कलर दे दे, वैसे ही इधर डिजाइन करके वर्ड है। अभी पहला क्या देखते हैं, देखो इंसर्ट वर्ड को अलग अलग फॉर्मेटिंग है ना, यही फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे वर्ड को देने गए, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग दिया है वही फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे वर्ड को देने गए। तो कैसे करते हैं देखो, स्टेप याद रखो, पहले क्या करोगे इस वर्ड को सिलेक्ट कर दो, हो गया पहला स्टेप। अभी फॉर्मेटिंग कॉपी करने का है, तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन आता है, फॉर्मेट पेंटर, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे आप, फॉर्मेट पेंटर कर दिया, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक। अभी देखो आ गया पेंट ब्रश, दिख रहा ना ब्रश आ गया। अभी ये फॉर्मेटिंग किसके ऊपर चाहिए, तो ये फॉर्मेटिंग जिसके ऊपर चाहिए उस वर्ड को सिलेक्ट करो, सपोज मैंने डिज़ाइन वर्ड सिलेक्ट कर दिया, देखो ज़रा कुछ दिख रहा है चेंजेस, जो इंसर्ट को फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग किसको आ गया, डिज़ाइन वर्ड को आ गया, समझ रहे कैसे फॉर्मेटिंग देने का है, करोगे ऐसा। अभी मुझे बताओ इंसर्ट वर्ड का फॉर्मेटिंग हमें ये सिलेक्टेड वर्ड को चाहिए, बोलो कैसे लाओगे, पहले डायरेक्ट इधर जाने का क्या, नहीं पहले सिलेक्ट करो वर्ड को, बाद में किधर जाओगे, फॉर्मेट पेंटर के पास जाने का, किधर जाने का है, फॉर्मेट पेंटर आ गए, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, बाद में किधर जाओगे, ये फॉर्मेटिंग जाए ना किसके ऊपर जाइए, फॉर्मेटिंग इस वर्ड को सिलेक्ट करो, आ गए वही फॉर्मेटिंग, समझे ना, जो वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे उसके ऊपर फॉर्मेटिंग आ जाएगी, समझ रहे, इतना सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो रहा है। अभी हमें क्या करने का है, ये इंसर्ट वर्ड ही नीचे जाइए, समझे ना, ये जो इंसर्ट वर्ड है ना वही वर्ड हमें नीचे जाइए। तो कैसे लाओगे नीचे, इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, कॉपी ऑप्शन किधर क्लिक करोगे, कॉपी के ऊपर क्लिक करो एक बार। अभी ये वर्ड किधर जाइए, तो जिधर भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो एक बार सिर्फ, आगे कर्सर इधर, और कर्सर इधर आने के बाद क्या करोगे, पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दो, देखो आ गए ऊपर का ही वर्ड, समझे ना, पूरा वर्ड ही नीचे कॉपी हो गया आ गया, लेकिन पहले लाइन से वर्ड चला गया क्या, नहीं चला गया, क्यों नहीं चला गया, क्योंकि हमने क्या किया था, वर्ड को कॉपी किया था, बराबर है। अभी हमने ये डिज़ाइन वर्ड है ना उसमें, इसमें से आधा वर्ड को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और कॉपी की जगह क्या कर दिया हम इधर से कट करते, कॉपी की जगह क्या करेंगे हम, कट करेंगे, कट किया तो क्या होगा, ये डिज़ाइन वर्ड इधर रहेगा क्या, नहीं इधर से क्या होगा, कट हो जाएगा, देखो मैंने कट के ऊपर क्लिक कर दिया, हो गया कट। अभी ये वर्ड किधर चाहिए, तो जिधर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो एक बार, और बाद में क्या करोगे, पेस्ट करो, समझ रहे, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या होता है, कट और कॉपी में, कॉपी करते तो क्या होता है, जो पहला हमारा वर्ड रहता है वो उधर ही रहता है, लेकिन उसका डुप्लीकेट कॉपी किधर आती है, जिधर हम पेस्ट करते हैं उधर आ जाता है, लेकिन अगर आपने कट किया तो कट करते तो क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड ही क्या होता है, कट होता है, और जिधर हम पेस्ट करते उधर आ जाता है, समझ रहे, इतना तक करोगे, इतना बोलो पहले से क्या क्या किया था, बुलेट्स, बुलेट्स मतलब क्या, ऐसे स्टाइल में बुलेट दे सकते हो जो भी चाहिए वही, नहीं चाहिए तो क्या करोगे, नन, अगर नंबरिंग देने का तो नंबरिंग के ऊपर जाते इधर से। बाद में क्या किया था, अलाइनमेंट देखा था, लेफ्ट सेंटर राइट, ये कौन सा अलाइनमेंट था, जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या बताया था हमने, वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, पैराग्राफ के ऊपर, और जस्टिफाई लिया तो क्या होगा, पैराग्राफ दोनों साइड से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन में, देखो दिख रहा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। उसके बाद क्या देखा था, ये वाला इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है, पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, कम करना रहेगा तो क्या करोगे, डिक्रीज, इस पर क्या होता है, पढ़ो जरा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब हर एक लाइन के बीच में गैप आ जाएगा, आ रहा है, नॉर्मल जाए तो क्या रखोगे, सिंगल। बाद में क्या देखा था, वर्ड को फाइंड और रिप्लेस करके देखा था, समझे ना, वर्ड फाइंड करने का, तो अगर यही फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे दूसरे को कॉपी करने का है, किसी वर्ड की फॉर्मेटिंग कॉपी करने का, तो कैसे किया था, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाने का है,
बाद में जो वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग चाहिए उसके ऊपर एक बार सिलेक्ट करो। बाद में कट कॉपी और पेस्ट देखा था ना, क्या डिफरेंस है कट और कॉपी में? कट करते तो क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड चला जाता है, और कॉपी करते तो क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड जिधर है उधर ही रहता है, और उसका डुप्लीकेट कॉपी नीचे पेस्ट हो जाती है। समझेगा? करोगे इतना प्रैक्टिस? आएगा समझ में इतना तक? समझ रहे? करो इतना प्रैक्टिस।